मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपापिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंदर चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम लोग वेब ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसका एक क्लास हो चुका है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हाइजिन्स प्रिंसिपल के द्वारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए हम लोग एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे एक्स वाई, जिसके ऊपर लाइट आके पड़ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है। तो इंसिडेंट लाइट पर हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे और रिफ्लेक्टेड लाइट पर हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे। तो ए बी हमारा जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। उसके बाद ए से अगला पोजीशन जो ए डैश होगा वो कैसे निकालेंगे, जितना बी से बी डैश होगा उसी से हम लोग ए से ए डैश, जिसको हम डी से डिनोट किए हुए हैं, और बी से सी जो बी डैश बोल रहे थे वो डिनोट किए हुए हैं, इक्वल हो गया, क्योंकि वो आपका रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में चल रहा है। दो नॉर्मल बना दिए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई लिए हुए हैं, ये भी एंगल आई होगा बाई ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, उसी तरह से ये आर होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ भी एंगल आर बनेगा, ठीक है। हम लोग बीच का एक पॉइंट ले रहे हैं ई और उधर ले रहे हैं जी, ए बी के बीच में एक पॉइंट ई लिए हुए हैं और सी डी के बीच में एक पॉइंट जी लिए हुए हैं। ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है जैसा मैंने आपको बताया, सी डी मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और एक्स वाई मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इफ सी विद द स्पीड ऑफ लाइट, टी विद द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी, ए टू डी और ई टू जी, टाइम इक्वल लगेगा, जो पिछले वीडियो में भी मैं आपको बतला चुका हूँ। टाइम जो लगेगा ई से जी तक के लिए वो कितना लगेगा, ई एफ बाई सी प्लस एफ जी बाई सी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ई एफ को लिखना चाहते हैं ए एफ और एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के टर्म में, तो ई एफ होगा ए एफ साइन आई और एफ जी होगा एफ सी साइन आर। उसी तरह से अगर हम एफ सी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एफ। अब अगर हम लोग देखते हैं या इन टर्म्स ऑफ आर लिखना चाहेंगे तो हम लोग आई और आर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ए सी साइन आर प्लस ए एफ साइन आई माइनस साइन आर बाई सी। फॉर रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट द वैल्यू ऑफ ए एफ आर डिफरेंट, बट लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड टेक द सेम टाइम टू रीच द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये ध्यान रखना होगा, सबको इक्वल टाइम लगना चाहिए। इसका मतलब टाइम जो है वो दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एफ, ए एफ का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब ए एफ का इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम वाला एक्सप्रेशन है उसमें ए एफ वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो ए एफ साइन आई माइनस साइन आर जीरो होना चाहिए, ए एफ डिस्टेंस है तो जीरो वो नहीं होगा, तो साइन आई माइनस साइन आर इक्वल टू जीरो कर देंगे। इसका मतलब साइन आई जो है वो साइन आर के बराबर होगा और इसी से हम क्या लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आर। तो इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिए। ये मेरा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने का तरीका हुआ। उसी तरीके से हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हम फिर से एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, बाहर में ऊपर में रेयरर मीडियम है जहाँ स्पीड ऑफ लाइट सी होगा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वहाँ का म्यू वन है, डेंसर मीडियम जहाँ स्पीड ऑफ लाइट वी होगा वहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इंसिडेंट लाइट आ रहा है जैसे देख रहे होंगे आप लोग, आते हुए हम दिखाने की कोशिश किए, और जैसे वो डेंसर मीडियम में जाएगा इट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ए भी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, उसी तरीके से ए से हम सी पॉइंट निकालेंगे या डी पॉइंट निकालेंगे, तो ए डी जो होगा वहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना बी सी में रे ऑफ लाइट को टाइम लगेगा। बी सी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, वहाँ पर स्पीड उसका ज़्यादा है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम है। बी सी जितना समय लगेगा रे ऑफ लाइट को बी से सी तक जाने में, उतना ही समय लगेगा उसको ए से डी तक जाने में। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई लिए, उसी तरीके से ये भी एंगल आई हुआ, इधर आर होगा तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के साथ भी एंगल जो है वो आर रहेगा। हम लोग बीच का पॉइंट लेंगे ई एफ जी,
अगर हम लोग नेमिंग एक जैसा रखेंगे तो डेरिवेशन हम लोगों को याद रखने में आसान रहेगा, इसलिए जो भी पॉइंट्स का नेमिंग होगा वो दोनों तरह के सरफेस के लिए, एक रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए और रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक जैसा रखें। ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, एक्स वाई मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अगर सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, टी वी द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी और ए टू डी और ई टू जी थ्रू एफ, अगर ई टू जी हम बोलते हैं तो थ्रू एफ, देन टाइम जो है वो ई एफ बाई सी प्लस एफ जी बाई भी। यहाँ पर भी क्यों हुआ? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू ए एफ साइन आई बाई सी, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई लिखें, एफ जी को एफ सी साइन आर बाई वी। ठीक वैसे ही हम लोग लिखेंगे जो प्रीवियस केस में लिखे थे, टी इक्वल टू ए सी साइन आर बाई वी प्लस ए एफ साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई वी। सारे रे ऑफ लाइट को इक्वल टाइम लगेगा इंसिडेंट वेव फ्रंट से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तक जाने में, इसलिए जो टर्म है टाइम का उसमें वो सारे टर्म्स तो रहेंगे जो सभी के लिए सेम है, मगर वो टर्म नहीं होगा जो डिफरेंट रेज के लिए डिफरेंट होगा। जैसे ए एफ ए सी सबके लिए सेम है, बट ए एफ का वैल्यू सारे रे ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होगा, इसलिए द टाइम द एक्सप्रेशन फॉर टाइम मस्ट बी फ्री फ्रॉम ए एफ। फ्री फ्रॉम ए एफ बोलने का मतलब होता है कि ए एफ साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई वी को हम जीरो कर देंगे, जीरो कर दिए। इसका मतलब साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई वी इक्वल टू जीरो हुआ। इसका मतलब साइन आई बाई सी इक्वल टू साइन आर बाई वी और साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी बाई वी, और सी बाई वी क्या होता है, म्यू होता है, जो आप लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ हो गया। तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किए हैं बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट देखेंगे, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के केस में। देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आया कन्वर्ज कर रहा है। अगर हम लोग ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट देखेंगे तो देखिए किस तरह से हमारा बैंड करते जा रहा है, ये वेव फ्रंट के टर्म में होगा। एक बार आप फिर से देखिएगा, अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, गया रे ऑफ लाइट टकरा करके और वो फिर बैंड कर रहा है पीछे और एक पॉइंट पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखिएगा वर्चुअल है, इसी का वर्चुअल बनाते हुए दिखाए हैं। फिर अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए करते हैं, ठीक है, ये सारा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके इसमें डाइवर्स होते हुए दिखाएगा, डाइवर्स हुआ मगर उसी को पीछे ले आए तो वर्चुअल बन गया। अगर प्रिज्म का देखेंगे तो प्रिज्म के केस में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ए के पास जो रे लाइट है वो लगभग जो है वो डेंसर मीडियम में ही ट्रेवल करेगा, मगर बी के पास जो है वो रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा, इसलिए थोड़ा वो दूर हो जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अभी हम लोग कोहेरेंट सोर्स के बारे में अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दो सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इमिट्स लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। एक और बात, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो सकता है या नियरली सेम होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दो सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इमिट्स लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, दो लाइट वेव अगर सेम वेवलेंथ का लाइट इमिट कर रहा है, सेम फ्रिक्वेंसी का लाइट इमिट कर रहा है, दोनों लाइट वेव सेम फेज में है या उनके बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तब हम बोलेंगे कि उन दोनों रे ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, दोनों सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है, दोनों लाइट वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए या नियरली सेम होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? पहला है, हम लोग चाहे तो वेव फ्रंट को डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसा कि वाई डी एस सी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज करते हैं, फ्रेशनल बाईप्रिज्म में यूज करते हैं, या लॉयड्स मिरर्स में यूज करते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्स के रूप में, देख सकते हैं, ले सकते हैं हम लोग लाइट को, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसमें होगा, ठीक
ठीक है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।